पोर्ट ये ब्रिटिश टाइम का है, अंग्रेज़ों के टाइम की ये पोस्ट ऑफिस है, ये आज का नहीं, ये लगभग 200 साल का पुराना पोस्ट ऑफिस है। लेकिन पोस्ट ऑफिस जो हाउस बोट है या बहुत सारे बदल गई, लेकिन जगह तो यही है। फिर 2011 में इसका नाम नया पड़ गया, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। उससे पहले ये था सिंपल नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस। इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, बहुत सारे यहाँ न्यूज़ पे आते हैं ये फ्लोट, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस है जो फ्लोटिंग है वर्ल्ड वाइड। इसलिए ये हेरिटेज है, दुनिया का हर एक यहाँ आता है एक फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। ये कश्मीर की एक बहुत बड़ी शान है, हमारे पास एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। इतनी इम्पोर्टेंस है, अगर कोई टूरिस्ट यहाँ आता है, पहले जब अगर गुलमर्ग जाएगा, सोनमर्ग जाएगा, वो सबसे पहले ये एक चीज़ इसमें ये सोचता है, मैं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में भी देखूंगा वो कैसा, और एक फ़ोटो वहाँ खींचूंगा, क्योंकि अपने बच्चों को कम से कम ये दिखाऊंगा मैं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में भी गया है। यहाँ एक माय स्टैम्प बनता है, मान लो टिकट के साथ ही अपना फ़ोटो भी होता है, पोस्ट कार्ड होते हैं, यहाँ ज़ैफ़रान की सेल होती है, पैकिंग मटेरियल्स, बहुत सारे बुक्स है यहाँ सेल। यहाँ के जो लोग डल में रहते हैं उनके लिए है सेविंग बैंक, SBI, RD, TD, KVP, NSE, सब सुविधाएँ यहाँ मौसूल है। और यहाँ आउटसाइड द डल उनके लिए भी है, ये बैंक का भी बैंकिंग भी है, पोस्ट ऑफिस भी। एक टूरिस्ट के लिए हर एक फैसिलिटी होती है, कोई टूरिस्ट आता है यहाँ कोई चिट्ठी विट्ठी भेजनी है आराम से भेज सकते हैं। यहाँ जो स्पेशल कवर हमारे जो जम्मू कश्मीर के कश्मीर से रिलेटेड जहाँ भी जितने भी स्पेशल कवर जो भी रिलीज हुए हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। ये इसमें दो रूम है, एक ऑप्शन ही दूसरा था म्यूज़ियम तो अब बंद हो गया। उसमें से स्टैम्प्स हुआ करते थे, स्पेशल कवर होते करते थे, और पैकिंग मटीरियल बुक्स है वहाँ, उस वक्त बुक्स होते थे, अब बुक्स भी यहाँ सेल होती है, अब भी है बुक्स, पोस्ट कार्ड्स हुआ करते थे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।